तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर देखोगे बेसिकली तो हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मर्क्यूरी ड्रॉप है जिसकी रेडियस 10^-3 ब्रोकन इंटू 125 स्मॉल ड्रॉप, सरफेस टेंशन याद है, एनर्जी गेन। तो एनर्जी गेन कितनी हुई होगी, इस चीज़ को हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, तुम देखोगे कि एक बड़ा सा ड्रॉप है और अगर वो ड्रॉप छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होता है तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पीस है तो यहाँ से तुम देखोगे तो सरफेस एरिया बढ़ गया होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया होगा तो ये जो बढ़ा हुआ सरफेस एरिया है वो एनर्जी गेन। अब तुम इसे पहले वाला जो क्वेश्चन किए होगे देखो, तो उसमें क्या था, एक क्वेश्चन था, यहाँ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि वो यहाँ से देखो, 100 ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम्बाइंड अप रेडियस फ्रॉम ए सिंगल ड्रॉप एनर्जी रिलीज। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है भाई, छोटे ड्रॉप मिल के बड़ा बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो बड़ा अगर मिल के छोटा बनाएगा तो एनर्जी क्या होगी, गेन होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये यहाँ से तुम इस चीज़ को, यहाँ से सरफेस, तो सरफेस एरिया बढ़ गई है, तो सरफेस एरिया बढ़ गई है तो सबसे पहले रेडियस के बीच रिलेशन निकाल लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और फाइनल वॉल्यूम तुम देखोगे तो फाइनल वॉल्यूम 125 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो 4/3 ये इसमें से कट जाएगा, तो यहाँ से तुम देखोगे स्मॉल आर की वैल्यू r/5 आ जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ दिया हुआ 10^-3 और यह आ जाएगा 5। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द 1 मर्क्यूरी ड्रॉप्स। अब यहाँ से बेसिकली तुम देखोगे डेल्टा ई एनर्जी गेन जो है, वो एनर्जी गेन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ से तुम देखोगे तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई फाइनल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो फाइनल में से मैं इनिशियल को घटा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एनर्जी गेन डेल्टा ई सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई फाइनल सरफेस एरिया, एक एक सर्फ एक का 125 ड्रॉप थे तो एक का सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 10^-6 और डिवाइडेड बाई यहाँ 25 माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर यहाँ दिया हुआ था 10^-6 यहाँ से। तो फाइनली यहाँ से तुम देखोगे डेल्टा ई इज इक्वल टू सरफेस टेंशन कितना था, 0.045, और यहाँ से 4 पाई 22/7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 10^-6 भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से ये 25 5 टाइम्स कट जाएगा और -1 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो तुम देखोगे तो 25 ये तो 4 बनेगा, तो 0.045 × 4 × 22/7 यहाँ से, और यहाँ से 10^-6 और मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये पूरा यार तामझाम तुम कैलकुलेट कर लेना, तो यहाँ से तुम 2.26 × 10^-5 जूल यहाँ से, तो 2 × 10 ये वाली जो फाइनल है, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो 2.26 × 10 का ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप आपकी बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।